नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों, ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर हैं, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज दी हुई है जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है। एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल, वहाँ पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर YouTube पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पे तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का YouTube चैनल है वहाँ पे ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर, चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों, अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे। तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं की इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो तो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है।
जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनकी हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है, कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पर और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। ये मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप YouTube पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि ये मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ ये बात अलग है, ये लोग अगर YouTube पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्शन का YouTube चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उनकी ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं की इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है, मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालाँकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कहीं सारी समस्या का सामना करना पड़ता है
और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे, या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है, अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनकी हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों, ये मूवी 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से 2 प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था, और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहां पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहां पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पर भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर YouTube पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पे तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का YouTube चैनल है वहाँ पे ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर, चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों, अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे,
पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं की इर्द गिर्द उन कहानी घूमती रहती है जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अदंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी हमको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। जो IMDb है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट की शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से 2 प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी धहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है।
चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पर भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पे तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है, मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कहीं सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे, या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 10/7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है, अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे
और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर हैं, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था, और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है, मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है, और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे, या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है, अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है
और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजोन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर हैं, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी धहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पे और दूसरी अमेजोन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है यानी कि जय रांधवा की है, तो इन्हीं की इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अदंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगद ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग
उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी 2 platform पे अवेलेबल है, तो कौन से 2 platform हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था, और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप YouTube पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि ये मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ ये बात अलग है, ये लोग अगर YouTube पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 star की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है।
उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 10/7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है, अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट की शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है। तो आप इस मूवी को देखिएगा, ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनकी हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है,
एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि ये मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्शन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर, चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों, अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे। तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है, जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है, जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं की इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है, और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अदंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे, या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है, अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट की शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है। तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनकी हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी। काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है, कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको
इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पे और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उनकी ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे। तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसा इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं की इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है, मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो तो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है, लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 10/7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको
बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पर और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप YouTube पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ ये बात अलग है, ये लोग अगर YouTube पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं की इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालाँकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं।
तो इस मूवी में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से 2 प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था, और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है, जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पर, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। ये मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप YouTube पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि ये मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ ये बात अलग है, ये लोग अगर YouTube पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्शन का YouTube चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है।
तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं की इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है, और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अदंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे, या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 10/7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है, अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट की शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों, ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था, और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी धहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहां पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहां पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में।
यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर, चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों, अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे। तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कहीं सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। जो IMDB है वहाँ पर 10/7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट की शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनकी हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों, ये मूवी 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से 2 प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा।
चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था, और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी दो जगह पर अवेलेबल है। एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल, वहाँ पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे। तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है, और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे, या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। जो IMDB है वहाँ पर 10/7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट की शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है।
यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है, कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पे और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं, दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसा इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है यानी कि जय रांधवा की है, तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है, मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालाँकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालत उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं, तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है,
और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है, अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रामद्वा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से 2 प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी धहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पे और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि ये मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पे तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसा इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है।
तो इन्हीं के इर्द गिर्द उनकी कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है, और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अदंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे, या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है, अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप है वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों, ये मूवी 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से 2 प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था, और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि ये मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है।
तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे। तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अदंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी हमको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनकी हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से 2 प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधू, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था,
और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी धाईवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है, जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी दो जगह पर अवेलेबल है। एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल, वहाँ पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था, वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर, चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों, अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे। तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है, जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है, जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसा इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं की इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है, और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे, या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों, व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी, ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। जो IMDB है वहाँ पर 10/7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनकी हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए।
मूवी आपको अमेजोन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों, ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी धैवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पर और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप YouTube पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर YouTube पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर, चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों, अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसा इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं की इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालाँकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम तो फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी,
जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जयरांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जयरांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से 2 प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पर और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। ये मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप YouTube पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि ये मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ ये बात अलग है, ये लोग अगर YouTube पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्शन का YouTube चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं की इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है, मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालाँकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक इरसालू
और अहंकारी प्रतियोगिता अदंक यानी कि जक्सी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे, या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है, अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमा घरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी, एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है। तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा, मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी। काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है, कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों, ये मूवी 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से 2 प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पे और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि ये मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्शन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर, चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है।
और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों, अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे। तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है, जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है, जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है, और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कहीं सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे, या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। जो IMDB है वहाँ पर 10/7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनकी हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों, ये मूवी 2 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से 2 प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था, और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी धहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा,
सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है, जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी दो जगह पर अवेलेबल है। एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल, वहाँ पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर यूट्यूब पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे। तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है, जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है, जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कहीं सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे, या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है, और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। जो IMDB है वहाँ पर 10/7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट की शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जय रांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जय रांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनकी हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों, ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जय रांधवा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज दी हुई है जहाँ पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी दो जगह पर अवेलेबल है। एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल, वहाँ पे, और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये बात अलग है, ये लोग अगर YouTube पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पे तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का YouTube चैनल है वहाँ पे ये मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर, चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों, अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे। तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जय रांधवा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है, यानी कि जय रांधवा की है। तो इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अदंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कहीं सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। जो IMDB है वहाँ पर 10/7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो
इस सेगमेंट की शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जयरामद्वा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जयरामद्वा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको एक कमाल की मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेडल। तो इस वीडियो में हम लोग इस मूवी का फुल रिव्यू करेंगे, साथ ही में मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए ताकि आपको इस मूवी के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और आप लोग भी एक कमाल की जो मूवी है इसे देख सके। दोस्तों ये मूवी दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो कौन से दो प्लेटफॉर्म हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए बात करते हैं इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में। तो मूवी में आप सभी को जयरामद्वा, बांसी सांधु, जग सिंह, प्रदीप सिंह रावत जो कि साउथ के एक्टर है, इन्होंने साउथ में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हुई है जहां पर इन्होंने नेगेटिव रोल किया था और शायद इस मूवी में भी उनका रोल नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा हॉबी दहवाल, दविया सिंह, अनिता मीत, कवि सिंह, राम ओजला, अंकुर राम और बानी, हरप्रीत वुरा, सेवन चाहल और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलता है। सभी कलाकारों ने वैसे काम अच्छा यहाँ पर किया हुआ है जो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। एक पल के लिए आपको लगने लगेगा कि आप कोई साउथ की एक्शन मूवी देख रहे हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी कमाल की मूवी बनाई है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो कहाँ पर यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो जो पंजाबी प्लेटफॉर्म है चौपाल वहाँ पर और दूसरी अमेजन प्राइम पर। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जाके इस मूवी को देख सकते हैं। दोनों जगह पर यह मूवी आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। यह मूवी आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी, अगर आप YouTube पर सर्च भी कर लेंगे तो आपको कोई और मूवी देखने को मिल जाएंगी, बल्कि यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ ये बात अलग है, ये लोग अगर YouTube पर इस मूवी को डालते हैं ऑफिशियल तौर पर तो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो देसी जक्सन का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस मूवी का जो सेंसर था वो मूवी के जो हीरो है उन्हीं की ही जो प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने करवाया है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो कहानी क्या है और आपको इस मूवी में क्या खास देखने को मिल सकता है, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो मैं इस मूवी को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। मुझे दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो निर्देशक है वो मनीष भट्ट रहे थे, तो पंजाबी सिनेमा में हाल ही में दोस्तों बहुत सारी बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्माण किया हुआ है जो पंजाबी सिनेमा के दर्शकों ने अभी तक नहीं देखी है। उसी दौरान उम्मीद के साथ जयरामद्वा की एक बार फिर से एक्शन से भरपूर नई मूवी आ चुकी है जिसका नाम मेडल है। चलिए बात करते हैं कहानी के बारे में कि इस मूवी की क्या स्टोरी है और आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। तो कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इस मूवी का नाम दिया गया है मेडल, तो मेडल यहाँ पर मिलता तो है पर किसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिल्म की कहानी राजू राजा की है यानी कि जयरामद्वा की है, तो इन्हीं की इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है जिनका राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने का सपना होता है। मतलब कि वो बचपन से एक सपना लेके साथ चलते हैं कि इन्हें एक मेडल जीतना है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हालाँकि अपनी यात्रा में उनकी मुलाकात एक ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रतियोगिता अधंक यानी कि जगसी के साथ हो जाती है। अगध ने राजा को धोखा दिया और उसे दोबारा दौड़ने से अयोग्य बना दिया होता है।
जिसके परिणाम स्वरूप राजा को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और अंगद से बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी इंसान तब तक बुरा नहीं बनता है जब तक हालात उसे बुरा ना बना दे या फिर उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं कि उसे जो बुरा बनना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने सलमान खान की मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ में देखा था, वो लड़का अच्छा होता है पर उसके हालात उसे गुंडा बना देते हैं। तो इस मूवी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। वो बदला कैसे लेता है या क्या वह सचमुच अपना बदला ले पाएगा, यह इस मूवी में देखने को मिलता है। हमें जो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप में फिल्म की कहानी बहुत ही पसंद आई है और जब मूवी का ट्रेलर आया था तो स्पष्ट हो गई थी कि कहानी इस तरह की हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इस कहानी को अच्छी तरह से चमकाती है वह यह है कि कैसे दर्शाया जा रहा है, इस फिल्म की असल कहानी क्या है। और यह जो मूवी थी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7 की रेटिंग इस मूवी को मिली थी। काफ़ी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई गई है। और फिल्म की कहानी के बारे में मैंने आपको बात कर ली है। अगर मेडल मूवी के बारे में थोड़ी आगे बात करें तो इस सेगमेंट के शुरुआत में फिल्म के जो प्रमुख व्यक्ति है जयरांधवा से होती है। जिस दिन से फिल्म की घोषणा हुई थी तो दर्शक इस मूवी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मूवी को हमें कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा। तो इस मूवी को फाइनली दोस्तों सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दिया। अब ये मूवी जो अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है और चौपाल पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो काफ़ी सही मूवी बनाई है, आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी। एक शानदार मूवी का निर्माण हुआ है, तो आप इस मूवी को देखिएगा। ये मूवी आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइए। जयरांधवा का एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यानी कि हर मूवी दोस्तों बेहतरीन रहती है और कुछ नया ट्राई करते हैं हर मूवी के अंदर। इस मूवी में आपको तगड़ा एक्शन देखने को मिलने वाला है, एक पल के लिए आपको बहुत ही अच्छा फील करा देगा। मूवी आपको बोर नहीं कराएंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से इस मूवी को बनाया है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। मूवी आपको अमेजन प्राइम पर मिल जाएंगी और जो चौपाल का ऐप वहाँ पर भी मिल जाएंगी, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, आप सभी लोग हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे।